दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं कि भारत WTC का खिताब जीते तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले के दौरान टीम इंडिया ने 280 रन के विराट अंतर से जीतने के बाद पॉइंट टेबल में बहुत ही बड़ा भूचाल मचा के रख दिया। तो आखिरकार टीम इंडिया के इतने बड़े जीतने के बाद पॉइंट टेबल में क्या बड़े बदलाव हो गए, कौन सी टीम का फायदा है और कौन सी टीम का नुकसान हुआ है, पाकिस्तान टीम को क्या इस रेस से बाहर हो जाएगा या अभी उसके पास एक मौका है जो कि फाइनल तक का रास्ता तय कर सकता है, साथ ही ऑस्ट्रेलिया टीम का भी क्या हाल है, इन सारे टीमों के बारे में बताने जा रहे हैं। साथ ही इस पॉइंट टेबल के सभी टीमों का रैंक भी आपको बताने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है टीम इंडिया के साथ इस बार के फाइनल में कौन सी टीम खेलेगी, नीचे कमेंट नाराज बताइएगा। दोस्तों इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मुकाबला खेला गया जिसमें से टीम इंडिया ने काफी शानदार प्रदर्शन किया, जहां पहले इनिंग के दौरान रविचंद्रन अश्विन और जडेजा के सबसे शानदार प्रदर्शन की वजह से टीम इंडिया ने 306 रन के सबसे बढ़िया स्कोर खड़ा कर दिया था। और इसके बाद बांग्लादेश की पहली बैटिंग में जसप्रीत बुमराह की आतिशी गेंदबाजी के सामने कोई भी बांग्लादेश के बल्लेबाज टिक नहीं पाया, जिसकी मदद से उन्होंने केवल 150 की आंकड़ा छू पाया था। इसके बाद जब यहां से टीम इंडिया की दूसरी पारी की शुरुआत होती है तो टीम इंडिया के ऋषभ पंत और सुमन गिल ने ऐसी बल्लेबाजी कर दिया जिसकी मदद से टीम इंडिया ने एक विशाल स्कोर खड़ा कर लिया और अंतिम में एक बहुत ही बड़ा टारगेट बांग्लादेश के सामने खड़ा करके दे दिया। लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश के बल्लेबाजी शुरुआत हुआ था, ऐसे में लग रहा था कि बांग्लादेश एक अच्छा खासा भी स्कोर कर पाएगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह और यहां तक कि रविचंद्रन अश्विन ने अकेले ही 6 विकेट चटकार को बांग्लादेश की पूरी तरह से बैटिंग लाइनअप को ध्वस्त कर दिया, जिसकी मदद से टीम इंडिया ने 280 रन के विराट अंतर से जीत लिया है। और इतने बड़े विराट अंतर से जीतने के बाद पॉइंट टेबल में बहुत ही बड़े बदलाव हो गए। तो आखिरकार पॉइंट टेबल में क्या बड़े बदलाव हुए, चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों अभी देखा जाए तो इस पॉइंट टेबल के सबसे लास्ट और 9वें पायदान पर वेस्टइंडीज की टीम आती है, जो कि अब तक 9 मुकाबले खेला है जिसमें से 6 मुकाबले हार गया और एक ही मुकाबला जीत पाया है और 2 मुकाबला ड्रॉ हुआ है। यदि उसके परसेंटेज के बारे में बात करें तो 18.52 का है और उसका पॉइंट्स 20 का है। और जिस तरह से वेस्टइंडीज की टीम इस बार के सीजन में प्रदर्शन किया है, अब ऐसे में पूरी तरह से उसका पत्ता कट गया है कि वो फाइनल तक का रास्ता भी तय करेगा। इसके बाद 8वें नंबर पर पाकिस्तान की टीम आती है, जो कि अब तक 7 मुकाबले खेला है जिसमें से 5 मुकाबला गवा चुका है और 2 ही मुकाबला जीत पाया और एक भी मुकाबला ड्रॉ नहीं हुआ। यदि उसका परसेंटेज के बारे में बात करें तो 19.05 का है और उसका पॉइंट्स लगभग 16 का है। और पाकिस्तान की टीम जिस तरह से प्रदर्शन कर रहा है, ऐसे में उसका भी पत्ता लगभग कट ही गया, क्योंकि पिछले मैच में पाकिस्तान टीम बांग्लादेश से हार गया था और जितने भी मैच अभी खेलते गए वो पूरी तरह से हारते जा रहे हैं और पिछले 5 मैच में उसका 5 मैच हार गया है। अब यहाँ से ये कयास लगा जा रहा है कि पाकिस्तान टीम का अब WTC के पॉइंट टेबल से उसका पत्ता कट ही गया है कि वो फाइनल में तय करेगा। इसके बाद 7वें पायदान पर साउथ अफ्रीका की टीम आती है, जो कि अब तक 6 मुकाबले खेला है जिसमें से 3 मुकाबले गवा चुका है और 2 मुकाबले जीता और 1 मुकाबला ड्रॉ हुआ है और उसका पॉइंट 28 है और उसका परसेंटेज 38.89 का है। अभी देखने वाली बात है कि साउथ अफ्रीका के पास अच्छा खासा मैच है, यदि वहाँ से मैच को जीतता है तो वो कमबैक कर सकता है और फाइनल तक का रास्ता भी तय कर सकता है। इसके बाद 6वें पायदान पर बांग्लादेश की टीम आती है, जो कि देखा जाए तो इस बार के सीजन में उन्होंने 7 मुकाबले खेला जिसमें से 4 मुकाबला गवा चुका है और 3 मुकाबला जीत पाया है और उसका पॉइंट्स 33 का हो गया है और उसका परसेंटेज के बारे में बात करें तो 39.29 का है। बांग्लादेश के पास अभी भी अच्छा खासा मौका है कि वो फाइनल तक का रास्ता तय कर सकता है, क्योंकि बचे हुए मुकाबले को उसे जीतना होगा वो भी बड़े अंतर से, ताकि उसका रन रेट भी अच्छा खासा सुधार हो सकता है जिससे उसके रैंक में अच्छा खासा बदलाव हो सकता है। इसके बाद 5वें पायदान पर इंग्लैंड की टीम आती है, जो कि अब तक 16 मुकाबले खेल चुका है जिसमें से 8 ही मुकाबले जीता और 7 मुकाबले गवा चुका है और एक मुकाबला ड्रॉ हुआ है। इंग्लैंड टीम की अगर परसेंटेज के बारे में बात करें तो उसका 42.19 का है और उसका पॉइंट्स 81 का है। इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम आती है, जो कि देखा जाए तो 7 मैच खेल चुका है जिसमें से 4 मुकाबले गवा चुका है और 3 मुकाबले जीत पाया है और उसका परसेंटेज 42.85 का है और उसका पॉइंट्स 36 का है। न्यूजीलैंड की टीम यहां से बचे हुए मैचेस को जीतता है तो हो सकता है वो इंडिया के साथ फाइनल में मुकाबला कर सकता है, क्योंकि उसके पास अच्छा खासा मैच है जिसके बदौलत वो टीम इंडिया के साथ फाइनल में मुकाबला कर सकता है। इसके बाद 3रे पायदान पर श्रीलंका की टीम आती है, जो कि अब तक 8 मुकाबले खेला है जिसमें से 4 मुकाबला गवा दिया और 4 ही मुकाबला जीत पाया और उसका पॉइंट 48 का है और उसका परसेंटेज के बारे में बात करें तो 50 का है। क्योंकि देखा जाए तो श्रीलंका की टीम इस बार काफ़ी अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहा है, जिस तरह से प्रदर्शन आगे मैचेस में करता है तो हो सकता है श्रीलंका एक अच्छा खासा प्रदर्शन करने के दौरान वो टीम इंडिया के साथ फाइनल में एंट्री कर सकता है। इसके बाद 2रे पायदान पर ऑस्ट्रेलिया की टीम आती है, जो कि एक अच्छा खासा टीम मानी जाता है और पिछले बार WTC खिताब यही टीम ने जीता था और इस बार के मैचेस में उन्होंने अब तक 12 मैचेस खेल चुके हैं जिसमें से 3 ही मुकाबला हारा है और 8 मुकाबला जीत लिया और एक मुकाबला ड्रॉ हुआ है और उसका पॉइंट्स की बात करें तो 90 का आता है और उसका परसेंटेज 62.5 का है। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम प्रदर्शन कर रहा है, लगता है कि इस बार के मैचेस में वो इंडिया के साथ फाइनल में एंट्री कर सकता है और इंडिया के साथ एक बार फिर से फाइनल मुकाबला खेल सकता है। इसके बाद पहले पायदान पर इंडिया की टीम आती है, जो कि इस सीजन काफ़ी अच्छा खासा प्रदर्शन किया है। अब तक 10 मुकाबले खेल चुका है जिसमें से 2 ही मुकाबला गवाए है और 7 मुकाबला जीत गया और 1 मुकाबला ड्रॉ हुआ है और टीम इंडिया का अगर परसेंटेज के बारे में बात करें तो 71.67 का है और उसका पॉइंट 86 का है। टीम इंडिया जिस तरह से प्रदर्शन कर रहा है, आने वाले मैचेस में ये फाइनल में किसी दूसरे टीम के साथ खेलते हुए नजर आ सकता है।
और टीम इंडिया की अभी बात करें तो पिछले 5 मुकाबले खिलाए जिसमें से 5ों के 5ों मुकाबले जीत गया है। जिस तरह से टीम इंडिया प्रदर्शन कर रहा है, हो सकता है इस बार की यदि ऑस्ट्रेलिया टीम फाइनल मुकाबला खेलती है इंडिया के साथ और इस बार का WTC का फाइनल टीम इंडिया जीत सकती है। वैसे दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या टीम इंडिया इस बार का वर्ल्ड विजेता हो सकता है? नीचे कमेंट में बताइएगा। और क्रिकेट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।